टेन साइंस चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जो लिविंग बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें जो बॉडी में जो प्रोसेस होती है वो सब है। ठीक, तो कौन कौन सी है? एक है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन यानी कि फूड, तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है, तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो हमने फ्रूट वेजिटेबल्स जो ईट किए, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके स्टमच में एकदम सिंपल हो जाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स, और वो बाद में बॉडी यूज करेंगे अपनी एनर्जी के लिए। ठीक, तो ये हो गया न्यूट्रिशन। उसके बाद है रेस्पिरेशन, तो हम ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करते हैं वो है। ठीक, तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और प्लांट्स में उसका डिफरेंट होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ठीक, तो बेसिकली उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है और प्रोसेस होता है। ठीक है, उससे एनर्जी क्रिएट होती है एंड वाटर, रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका वर्क मेन हार्ट एंड ब्लड। तो ब्लड्स में जो भी न्यूट्रिशंस होता है, ठीक है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक, वो सब है, वो सब हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक, और हार्ट है वो एज अ पंप वर्क करता है और वो पूरी बॉडी में उसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रेशन। तो ये बेसिकली क्या है कि जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट है, ठीक, उसको रिमूव करने का प्रोसेस है। ठीक, वो आइदर स्वेटिंग से या फिर लेटरिन से या फिर यूरिन से। इस चैप्टर में हम सिर्फ यूरिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो अनवांटेड थिंग्स है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक, तो वो रिमूव होती है, जो कि पॉइजन हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये सब लाइफ प्रोसेस है। तो हर एक जो लिविंग बींग है उन सब में ये सब प्रोसेसेस होती है। अब हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव, मतलब कोई चीज है वो लिविंग है या नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि उसमें कोई ग्रोथ हो रहा हो, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, ठीक है, बर्ड्स है, ये सब में क्या होता है कि ग्रोथ होता है। ठीक है, उनकी बॉडी में प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, तो ये हर एक में होता है। ठीक, सिंगल सेल के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, वायरस है, उन सब में भी होता है और बाकी ह्यूमन में भी होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स है। ठीक, इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दिस आर लिविंग बींग्स। तो मतलब लिविंग बींग्स है, उनकी एक्टिविटीज होती है, उनकी मूवमेंट्स होती है। ठीक, अब अगर वो स्लीप कर रहे हैं, ठीक है, तब भी उनकी बॉडी की मूवमेंट तो होती है, जैसे कि हमने कभी अपने किसी पर्सन को देखा होगा सोते हुए, किसी भी एनिमल्स को या फिर खुद को, तो हमारा जो लंग्स है उसमें तो एयर आती है और बाहर जाती है, मतलब वो तो वर्क करता है, मूवमेंट तो होती है। ठीक, लेकिन इस चैप्टर के लिए हम यही सीखेंगे कि लाइफ प्रोसेस यानी कि ये सब प्रोसेसेस हो रही होती है। ठीक, उसके बाद भी होती है बॉडी में मेंटेनेंस की, जैसे कि हमें कोई इंजरी हो गई या फिर हमारे सेल्स है कुछ, तो वो होता है ना, जैसे कि कहीं पे चोट आई तो उसके बाद वहाँ पे नई स्किन होती है। ठीक, तो वो मेंटेनेंस वर्क हुआ, सिंथेसिस हुआ कि नई स्किन आती है, तो ये सब भी एक लाइफ प्रोसेस में ही। वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बींग लाइफ, तो मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी कोई मूवमेंट होती है। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, जैसे कोई ट्री है तो उसका ग्रोथ हो गया सफिशियंट, उसके बाद वो स्टेडी हो जाएगा, उसके बाद उसका ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन उसमें ये सब तो होगा कि उसके जो कुछ लीव्स है, जो जिसकी एज खत्म हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएंगे और नए लीव्स आएंगे। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रेथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स, कुछ एनिमल्स है जो कि ब्रेथिंग करते हैं लेकिन उनकी मूवमेंट विजिबल नहीं होती है। ठीक, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट, तो ये इनफ नहीं है। जैसे कि वायरस है, वायरस कैसा होता है कि जब भी वो किसी की बॉडी में एंटर होता है तभी वो इफेक्ट करता है। सपोज वायरस हमारे एयर में है, लेकिन जब तक वो हमारी बॉडी में नहीं आता तब तक हमें डिसीज नहीं होगा। ठीक, लेकिन वायरस क्या होता है कि किसी और पे डिपेंडेंट है, किसी और की बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन फूड एब्जॉर्ब करते हैं उसे, तो सिर्फ मूवमेंट्स ही नहीं, मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकड़ आई, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ
ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेक आई से देख भी नहीं सकते, ठीक है, उनकी मूवमेंट माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अलाइव है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। तो ये मैंने बताया कि वायरस है तो जब तक वो किसी को इन्फेक्ट नहीं करते, किसी पर्सन की बॉडी या किसी एनिमल की, तब तक वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। मतलब जब भी वो होता है किसी में जाता है तभी वो एकदम एक्टिव हो जाता है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स, दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन है, तो हमारा वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास फेस है, शोल्डर, हैंड्स, इन सब, ठीक, तो ये सब बॉडी पार्ट्स है, उससे मिलकर हमारा ह्यूमन बॉडी बने। अब बॉडी पार्ट्स है वो किससे बने हुए थे, टिश्यूज से, ठीक है, टिश्यूज में सेल्स होते हैं। अब टिश्यूज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, टिश्यूज में सेल्स होते हैं, ठीक, एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स, यानी कि एक सिंगल सेल है उसके अंदर भी, आपने आगे के 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है, ठीक, तो इस तरह से ये सेल है उसका भी है, ठीक। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रीथिंग डाउन ओवर टाइम। जैसे कि कोई भी एज होती है, ठीक, अगर ह्यूमन हो या एनिमल हो, तो कुछ एज होती है तब तक वो उसकी लाइफ होती है, उसके बाद वो लाइफ खत्म हो जाती है। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। जैसे कि अगर हमारा ब्रीथिंग है वो स्टॉप हो जाता है तो हम अलाइव नहीं रहेंगे। सेम वे में प्लांट्स में, अगर उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और ऑक्सीजन एक्सहेल है, अगर वो स्टॉप हो जाता है तो वो अलाइव नहीं रहेगा प्लांट, ठीक है, वो डेड हो जाएगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हम एनर्जी लेते हैं, फिर उससे हम अपना वर्क करते हैं, ठीक, अगर हमें कुछ कोई भी डिसीज होता है या फिर कुछ डैमेज होता है बॉडी को, तो उसका रिपेयरिंग होता है, ठीक है, हम जब फूड लेते हैं उससे से वो सिंथेसिस होता है, तो ये सब मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, वर्क, ये सब चलता रहता है। सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो बेसिकली हम बने किससे है, ठीक है, तो हमारा जो सेल है वो फाइनली कार्बनिक, मेन उसमें कार्बन होता है, बाकी बहुत कुछ होता है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उस तरह से। तो हमारी बॉडी में मूवमेंट भी बहुत होती है, कंटिन्यूसली ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, उसके अलावा हम होल डे, हमारा जो हार्ट है वो पूरी लाइफ पंप करता है, ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन है। न्यूट्रिशन, हम डेली फूड कंज्यूम करते हैं, अगर हम फूड कंज्यूम करना बंद करें तो बॉडी को एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी, अगर एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी तो हमारी लाइफ भी स्टॉप हो सकती है, ठीक है। सेम वे में एक्सक्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्वीटिंग है, यूरिनेट है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सब प्रोसेस है इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं।